बताएं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक हलफ उठाने वालों में ज़ाहिर शाह तोरू, आकिबुल्ला और मीना खान शामिल हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं वाजिद शहजाद से। वाजिद शहजाद, बताइएगा हलफ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक हलफ उठाने वालों में ज़ाहिर शाह तोरू, आकिबुल्ला और मीना खान शामिल हैं, जबकि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। तैमूर झगड़ा को मुशीर मुकर्रर किया जाने का इम्कान है। एक दफ़ा फिर से बात कर लेते हैं वाजिद शहजाद से। वाजिद, बताइएगा। जी शुक्रिया। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी, जिसमें जो काबीना अरकान है अपने अहदे का बाकायदा तौर पर हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब जो है आज बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस में की जाएगी, जिसमें जो मुख्तलिफ जो है उनको शामिल किया गया है। बात करूँ तो तकरीब में 120 से ज्यादा मेहमानों की जो है वहाँ पर गुंजाइश की कुर्सी लगाई गई है। हलफ उठाने वालों में ज़ाहिर शाह तोरू जो है वो भी शामिल है, आकिबुल्ला और जो नौजवान मीना खान है उनको भी ज़राए के मुताबिक शामिल किया गया है। इसी तरह दीगर अरकीन असम्बली जो है इसको काबीना में शामिल है। वाजिद, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे।